बहुत पहले की ये कहानी है एक छोटा सा गांव की। वो दो दिनों से घर नहीं लौटे, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे भगवान कमला, अब तुम्हारा पति भी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस गांव को। एक एक करके रोज कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है। उस गांव में से एक दिन न एक दिन डेली एक एक आदमी गायब होने लगते हैं। सभी लोग चिंतित घबराए हो जाते हैं। तभी एक आदमी काम करके छोटे से आ रहा था, तभी एक लड़की वृक्ष से नाच रही थी। अरे, आपको तो यहाँ पहली बार देखा है। घुघरू वाली लड़की जब पलटती है तो भयानक चुड़ैल रहती है। नाचना अपना जारी रखती है। नाचते नाचते वो आगे बढ़ना चालू करती है। ताधीना तनाधीना ताधीना तनाधीना, मेरा नृत्य पसंद आया तुम्हें? और देखोगे ताधी दीदी दीदी नाना ताधी दीना ताधी दीदी ना, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सुंदर नृत्य दिखाऊंगी मेरी गुफा में चलकर। चुड़ैल के बस में आदमी हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद अपने चुड़ैल अपने गुफे में ले जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग पहले से कैद रहते हैं, इसको भी लाकर कैद कर देती है। एक गांव की औरत उसे देख रही होती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? वह औरत गांव वालों से जाकर सारी बात बताती है। गांव वाले चौंक जाते हैं। अच्छा, तो इस कारण से गांव से लोग गायब हो रहे हैं? इसका मतलब सारा किया धरा उस चुड़ैल का है। हम सबको सावधान रहना होगा। एक आदमी तैयार होकर शहर जाना चाहता है। तभी उसकी पत्नी उसे देख कर बोलती है और समझाती है। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उस चुड़ैल ने आतंक मचाया हुआ है, आपने सुना नहीं है क्या? आदमियों को सूरज ढलने के बाद शिकार बनाती है वो अपना। आप बाहर नहीं जा सकते। अरे, मैं क्या डर कर घर पर बैठा रहूँ? तुम ख्वाब का चिंता कर रही हो, हटो, जाने दो मुझे। पति के निकलते हुए देख कर उसे चुड़ैल नजर आती है। वह आदमी पीछे की ओर भागना चालू करता है। अरे, भागता कहाँ है? तुझे तो मैं अपने साथ अपनी गुफा में लेकर जाऊँ। चुड़ैल उसके सामने अचानक आती है और नाचने लगती है। आदमी चुड़ैल के बस में होकर पीछे पीछे उस चुड़ैल के चला जाता है। उसकी पत्नी दूर से देखती है और दौड़ती है। अरे बचाओ मेरे पति को कोई, अरे कोई है। आवाज़ सुनकर गांव वाले पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर किसी को पता नहीं वो चुड़ैल लेकर कहाँ चली जाती है। अरे बहन, कहाँ है चुड़ैल? किस तरफ गई? अभी तो दिखाई दे रही थी, जंगल की तरफ गई वो मेरे पति को लेकर। गांव वाले ढूंढते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। उस चुड़ैल को हमें खत्म करना होगा किसी भी तरह से। मेरे पास एक उपाय है, इसके लिए हमें एक आदमी की मदद की जरूरत पड़ेगी। वह औरत पूरा योजना बनाती है। योजना के मुताबिक इनार के पीछे वो छुप जाती है और एक आदमी गाना गाते हुए जाता है। तभी चुड़ैल आवाज़ सुनकर देखती है। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। चुड़ैल को आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और चुड़ैल फिर देखती है। अरे वाह, मिल गया अगला शिकार। मैं जाकर देखूं तो कौन है जो अपनी आफत को खुद गुनगुना कर पुकार रहा है। चुड़ैल उस आदमी के सामने नाचने लगती है। तभी जो छुपी है वो भूता आवाज में औरत बोलती है। अरे कौन है वहाँ? कोई और चुड़ैल है क्या कुएं में? चुड़ैल जब कुएं के पास जाकर देखने लगती है तभी एक औरत खड़ी रहती है, पीछे से धक्का मार देती है।
हमने कर दिखाया, हमने उसे आकर मार ही डाला। हाँ, पर हमारे पति किधर है? इतने में कुदेश से आवाज आती, आखिरकार उस चुड़ैल के चुंगल से हम आजाद हो ही गए। उस घट कुछ समय के बाद एक लड़की उस कुएं से पानी निकालती है, तभी उसके बाल्टी में कुछ नजर आता है। अरे, ये बाल्टी में क्या है? ये तो कोई पोटली लगती है। ये यहाँ कैसे आई? तो पोटली को थोड़ा सा जब पूरा खोलती है तो सुंदर सा उसमें से घुंघरू निकलता है। अरे वाह, कितने सुंदर घुंघरू हैं। पता नहीं इन्हें कुएं में किसने फेंका। मैं घर जाकर इसे पहन कर देखती हूँ। पूनम उस घुंघरू को ले जाकर अपने घर के अंदर पहन कर देखती है। ये घुंघरू तो मेरे पाँव में कितने जंच रहे हैं। उस रात जब सो रहे होते तो पूनम की माँ की आँख अचानक खुलती है। अरे, ये इतनी रात में घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? न जाने इतनी रात में भला नृत्य कौन कर रहा है। ठहरो, ये आवाज तो हमारे ही आंगन से आ रही है। मैं जाकर दी। पूनम की माँ आंगन में जाती है। पूनम की माँ जो देखती है वो देखती रह जाती है। पूनम, पूनम आंगन में घुंघरू। पूनम उस घुंघरू को पहनकर नाच रही होती है, जो पहले की चुड़ैल रहती है उसके अंदर समा गई होती है। तभी उसके पैर चुड़ैल जैसे होते हैं, माँ जैसे बोलती है, वो गायब हो। अजी, सुनते हैं, जल्दी यहाँ आइए, देखिए तो पूनम। पूनम के पापा खुद वहाँ आते हैं घबराए हुए और पूछते हैं, अरे क्या हुआ? पूनम अभी वहाँ पर थी। वहाँ तो कोई नहीं है। पूनम वहाँ इतनी रात गए क्यों जाएगी? वो अपने कमरे में होगी, मैं जाकर देखता हूँ। पूनम के पापा पूनम के कमरे में जाकर देखते हैं, खुद पूनम नहीं रहती और वो भी घबरा जाते हैं। पता नहीं कहाँ गई वो, चलिए हम उसे ढूंढते हैं। पूनम के मम्मी पापा बहुत ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। सुबह पूनम के मम्मी जाकर पूनम के कमरे में देखती है तो पूनम सोई रहती है। इधर सुबह खबर आती है कि गांव के कुछ लोग नापता हैं। अरे, कल रात को जो भी आदमी बाहर निकला वो घर नहीं लौटा है। पूनम के शरीर में चुड़ैल घुसी कोहराम रोज मचाती और पूनम आके फिर सुबह सोई पड़ी रहती। एक दिन पूनम की माँ के तरफ खबर पहुँचती है। उस दिन जो मैंने देखा, क्या इसका उस घटना से कोई संबंध हो सकता है? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। पूनम की माँ रात की घटना पूरी गाँव वालों से बताती है। इसका मतलब वो फिर से लौट आई है, नाचने वाली चुड़ैल। अम्मा सभी को नाचने वाली चुड़ैल के बारे में बताती है। हे भगवान, मेरी बेटी पर उस चुड़ैल का साया है, मैं क्या करूं अम्मा, कैसे बचाऊं उसे? जब तक वो घुंघरू नष्ट नहीं होते, चुड़ैल खत्म नहीं होगी। कैसे भी करके तुम्हें उन घुंघरुओं को जलाकर भस्म करना होगा। पूनम के मम्मी पूनम के पापा से सारी बात बताती है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम पूनम को उस आत्मा के चुंगल से आजाद करा सकते हैं, पर हमें आज रात ही वो करना होगा। वो तरकीब क्या है जी? पूनम के मम्मी पापा उसके अंजाम देने की पूरी घटनाएं तैयारी करते हैं। जैसे ही रात होती है, पूनम सो जाती है, तभी आग लेकर पूनम के पापा खड़े रहते हैं और उसकी मम्मी पूनम के पास अंदर जाती है। तुम अंदर जाकर घुंघरू ले आओ, मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। पूनम की माँ जैसे अंदर जाती है, घुंघरू उठाती है, तभी पूनम जाग जाती है। आपने मेरे घुंघरुओं को हाथ लगाया, इसी वक्त वापस कीजिए। मैं कहती हूँ वापस कीजिए इसी वक्त, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको उठाने की? इतने ही देर में पूनम की माँ घुंघरू को घर से बाहर फेंकती है, तभी पूनम के पापा दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं, मेरे घुंघरू वापस दो। इतने देर में पूनम के पापा मशाल से घुंघरू को आग लगा देते हैं। इधर पूनम अपना सर पटकती रहती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर अरे मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पूनम तुम ठीक हो गई? पूनम अच्छी हो जाती है, सभी लोग घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग शेयर कीजिए
और कमेंट कीजिए।